हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन रिट्स नेचुरल क्योर। आज मैं आपको बताऊंगी कि नीम लीव से नीम पाउडर अपने घर में आप इजीली कैसे बना सकते हैं विदाउट केमिकल्स, विदाउट एनी डर्ट एंड पॉल्यूशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें चाहिए नीम लीव्स, फ्रेश नीम लीव्स चाहिए जो ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। देन इसको अच्छी तरह से पहले वॉश करना है पानी में, जिससे कि इसके सारा डर्ट निकल जाए। आफ्टर फिर हमें एक प्लेट में इसको ब्रेक करके सन के नीचे सुखाने के लिए रखना है, जिससे कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। वेल, कि कितनी अच्छी तरह से क्रैकल कर रही है, इस टाइप से देख सकते हैं आप। इसी तरह से इसको ड्राई करना है पूरी तरह, जिससे कि अच्छी तरह से क्रैकल हो जाए। और फिर हमें एक जार कंटेनर, मिक्सर कंटेनर में इस नीम लीव्स को, ड्राई नीम लीव्स को डाल देना है। और इसको फिर छोटे छोटे पीसेस करना है, जिससे कि ये मिक्सअप होने में, ग्राइंड होने में इसको ज़्यादा टाइम ना लगे। लीव्स के छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ, जिसको इससे ग्राइंड होने में बहुत ईजी हो एंड ये अच्छी तरह से फाइन पाउडर बन जाए। तो नाउ मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। अब ये ग्राउंड कम्प्लीटली हो चुका है, बट इसमें अभी भी थोड़े थोड़े बड़े पीसेस हैं नीम के। तो मैं एक ग्राइंडर स्टोनर से इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी, जिससे कि और भी ज़्यादा फाइन हो जाए। इट जस्ट लाइक अ मार्केट, आप देख सकते हो। और इससे जो फाइन पेस्ट बनता है, आई डोंट थिंक सो कि ये मिक्सर में भी बन सकता है कभी। सो ये बहुत टाइम से चला आ रहा है ये ग्राइंडर स्टोन, और ये सभी के घरों में ईजिली अवेलेबल होता है। आप देख सकते हो कितना फाइन पाउडर ये बन चुका है, जस्ट लाइक दैट। हेल्प से इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लूँगी, जिससे कि जो बिग नीम लीव्स हैं वो अलग हो जाए एंड जो फाइन पाउडर है वो अलग हो जाए। आप देख सकते हो, जस्ट लाइक दैट। ऑल्सो अब हमें पूरा कम्प्लीटली एक प्योर नीम पाउडर मिल चुका है, एकदम फाइन, एकदम जस्ट एज लाइक एज अ मार्केट। आप देख सकते हो कितना फाइन है ये। नीम पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इसे अपने फेस स्क्रब में, फेस पैक में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।